नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सर्दियों का सीज़न है और गाजर आजकल तो बहुत सारा अवेलेबल होता है, और गाजर का हलवा तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में भी जी होता है, और इसके लिए बहुत ही कम सामग्री की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। हमें चाहिए गाजर, हाफ के जी हमने गाजर लिया है। फिर हमें चाहिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो। हमने बादाम लिया है, किशमिश लिया है, और ये चिरौंजी हमने लिया है, शुगर और दूध। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई रखना होगा। हमने ये कढ़ाई रख दिया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। हम डालेंगे घी, हमने जो घी डाला है इसमें थोड़ा सा अपना ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को पहले फ्राई करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हमने ये डाल दिया अपना बादाम, बादाम को थोड़ा थोड़ा सा होने देंगे, इसके बाद से हम इसमें डाल देंगे ना। ये निकाल लिया, अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे गाजर। गाजर को हम अच्छे से चला देंगे इसमें, इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं हमारे गाजर का कलर चेंज हो गया है और इसका क्वांटिटी भी थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। हमने ये दूध ऐड कर दिया है, ये दूध लगभग हाफ लीटर है, हमने इसमें हाफ लीटर दूध ऐड कर दिया। और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तली में ना पकड़े, और ऐसे ही चलाते हुए इसको पकाना है। फ्लेम हम हाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध जल के आधा हो गया है, अभी हमें इसको थोड़ा सा और जलाना है। आप चाहे तो इसमें खोआ भी ऐड कर सकते हैं दूध को रिप्लेस करके, लेकिन हम दूध को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे दूध में दूध के साथ ये जो कैरेट है खूब अच्छे से पक जाता है, इसलिए हम इसमें दूध डाले हैं। आप चाहे तो खोआ भी डाल सकते हैं, चाहे तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। अब हम अपना शुगर इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके फिर से पकाना शुरू करेंगे। शुगर जो हमने ऐड किया है उसमें से भी थोड़ा इसमें से पानी निकलेगा, अभी मेल्ट हो जाएगा शुगर, तो इसलिए थोड़ा और हमको अच्छे से इसको पकाना है। ये हमारा गाजर का हलवा लगभग रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसको गीला भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा ड्राई और कर सकते हैं, तो हम थोड़ा और ड्राई करेंगे। अब हम इसमें अपना इलायची ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा मेल्ट हो गया है गाजर और ये दूध, दूध की वजह से ये गाजर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। देखिए कोई भी लच्छे इसके नहीं दिख रहे हैं। हम इसमें ना जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किया था उसको भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। और ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।